हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजमा। आज मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। राजमा हर किसी को पसंद आता है और हमारे यहाँ पे राजमा बहुत खाई जाती है। राजमा को आप पराठे, रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। तो मैंने ओवरनाइट राजमा को सोक कर दिया था। अब मैं इसे वाटर डाल करके और 4-5 विसल लगा लूँगी। डिपेंड करता है हर राजमा की क्वालिटी पे कितने विसल्स में हो जाएंगे। मेरे एक फुल फ्लेम पे और 3 जो है स्लो फ्लेम पे मेरे राजमा अच्छे से गल गए थे। मैंने यहाँ पे छोटे वाले देसी राजमा इस्तेमाल किया है, जो छोटे वाले आते हैं वो वाले काले। आपका राजमा जो है, आप अगर 4 सीटी में हो जाता है तो ठीक है, वरना 1-2 एक्स्ट्रा और लगा ले। तो ये देखिए मेरा राजमा बॉईल हो गया। अब मैंने उसकी प्रिपरेशन कुछ कर ली है। मैंने 3 मीडियम साइज के अनियंस को बारीक चॉप कर लिया है और साथ में मैंने 4 बड़े टमाटर को क्रश करके रख लिया है। अब मैंने राजमा मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, तो मैंने ऑयल में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। जैसे ही जीरा हमारा क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे थोड़े से कुछ मसाले लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक बे लीफ, 2-3 लौंग और 2-3 ब्लैक पेपर, बस इतने ही। अब जब तक ये स्प्लैटर ना हो जाए, हम तब तक इसे कुक करेंगे। वो जैसे ही पक जाए, हम उसमें क्या करेंगे, जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था अनियन, वो ऐड कर ले। आप इस वक्त पे जिंजर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जिंजर गार्लिक नहीं यूज़ किया है। तो अब हम इसे प्याज को अच्छे से एकदम स्लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जब तक कि प्याज हमारा ब्राउन ना हो जाए। राजमा में प्याज का अच्छा कुक होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे राजमा का कलर, टेक्सचर और टेस्ट तीनों पे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से प्याज को भुना है। तब तक भुना है जब तक वो पूरा उसका कलर जो है वो ब्राउन सा ना हो गया हो। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से, और पूरा ऑयल निकल चुका है। अब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और रेगुलर जो मिर्च हम यूज़ करते हैं, मैंने वो भी 1 चम्मच डाला है। बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है, राजमा को उतना कलर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये 2 चीज़ें डाल दी है। अब मैं इसमें रेडीमेड ना राजमा मसाला यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास था। आप ये डालें और आपका राजमा देखिएगा इतना अच्छा बनता है, आपको और बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत फिर नहीं होती है। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे राजमा मसाला भी मिला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का राजमा मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल में ऐसे ही मसालों को अच्छा कुक कर लूँगी। कुछ सेकंड्स के लिए कुक करना है, बहुत लंबे टाइम के लिए हमें इसे नहीं कुक करना है। तो ये देखिए हमारा अब हो चुका है ये फ्राई अच्छे से। अब मैं इसमें जो हमने टोमेटो का क्रश करके रखा हुआ था, मैंने वो डाल दिया है। मैंने यहाँ पे प्यूरी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपको राजमा का टेक्सचर अच्छा चाहिए, तो आप इस तरीके से प्याज और टमाटर को ना या तो बारीक बारीक चॉप कर ले, या क्रश हैंड चॉपर आता है ना, उससे कर ले। तो उससे राजमा का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बन करके आता है, आप ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसे मिक्स कर दिया मसालों के साथ। अब मैं इसे जल्दी फास्ट कुकिंग करने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, बहुत थोड़ा सा, और ढक्कन लगा के हम तब तक मसाले को भुनेंगे जब तक वो पूरा अपना मॉइस्चर रिलीज ना कर दे, उसके साइड ना छोड़ने लग जाए और ऑयल भी सेपरेट ना हो, तब तक हम मसाले को भुनेंगे। ये मसाले भुनने की एक पहचान है कि हमारा मसाला अब कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है, और मेरे मसालों से बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही थी। तो मैंने अब इसमें जो राजमा बॉयल था, साथ में इसका जो पानी था, उन दोनों चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया। राजमा को जब मैं बॉयल कर रही थी, उस टाइम पे भी मैंने इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया था। तो हम अब सॉल्ट भी इसमें डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बैलेंस करने के लिए। और ये देखिए अभी हमारा राजमा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम राजमा को कम से कम 5 से 7 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के कुक होने देंगे, जब तक हमारा राजमा पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए, क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए, तब तक हमें इसे राजमा को कुक करना है। तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली 5 से 7 मिनट्स तक राजमा को स्लो फ्लेम पे कुक किया है, और अब देखिए राजमा का कलर और टेक्सचर कैसा चेंज हो गया है। तो बस हमारा राजमा कम्प्लीटली रेडी है इस टाइम पे। मैंने इसे हरे धनिया के साथ गार्निश किया है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी राजमा कैसी लगी। थैंक यू।